तेरे जिक्र से ही दिन अपना हो तमाम बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुर्सलीन अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिक व अस्हाबिक या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिक व अस्हाबिक या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम आपको फिर अपने प्रोग्राम बच्चों की शाम में खुशामदीद कहते हैं। जी, सबसे पहले हम फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनेंगे। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। पढ़िए सल्लु अलल हबीब। जी तो मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम अपने पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, जिसका नाम है तिलावत कुरान पाक। बच्चों की शान। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगले सेगमेंट की जाने पढ़ते हैं, जिसका नाम है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शान।
जैसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाने वाले, चमक तुझे से पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझे से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, रसा से तुष मन है दम दम वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए, आमीन। जज़ाकअल्लाह खैरा। फिर मदनी चैनल के नाज़रीन, मैं आपको फिर आज का सवाल दोहराता चलूँ, बताइए जन्नत की चाबी यानी की किसको कहते हैं? जी, हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं जिसका नाम है अमीर अहले सुन्नत और हसन मज़ा। बच्चों की शान। अल्हम्दुलिल्लाह, 1442 हिजरी के रजब शरीफ का चांद अभी अभी देखने की सआदत मिली।
اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله آمين بجاه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم मोहम्मद। नया चांद देखकर सूरह मुल्क की तिलावत की जाए इंशाअल्लाह सख्तियों से हिफाजत रहेगी। 30 बार सूरतुल फातिहा या हमद शरीफ की तिलावत करेंगे तो अल्लाह चाहेगा तो सारा महीना अमन में रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रजब की पहली रात दुआओं की कबूलियत की रात है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन या रब्बल मुस्तफा जल्ला जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। हमें ईमान की सलामती नसीब फरमा, आमीन। बुरे खात्मे से बचा, परवरदिगार हमारी बेहिसाब मगफिरत फरमा, सारी उम्मत को बख्श दे। या अल्लाह कोरोना वायरस की वबा दुनिया से निस्बत नाबूद हो जाए। या अल्लाह हमारे सारे मरीज जो है उन पर रहमत की नजर हो, कोरोना वायरस के मरीज भी शिफा याब हो जाए। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना रमदान। बच्चों की शान। जी तो ये तो हमारा सेगमेंट अमीर अहले सुन्नत और हसन रजा। अब हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं जिसका नाम है इम्तिहान आपकी अकल का। बच्चों की शान। जी तो इस सेगमेंट में हम आपसे सवाल पूछते हैं दिलचस्प। जी पहला सवाल बताइए, गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हो का मजार शरीफ कहाँ है? जी बताइए गौसे आजम का मजार शरीफ कहाँ है? जी माइक सीधे हाथ से लेना है और सीधे हाथ से देना है। जी बताइए, नाम बताएं अपना, सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरा नाम मोहम्मद हमजा है। जी हमजा भाई बताइए, गौसे पाक का मज़ार इराक में है। इराक के कौन से शहर में? इराक में तो है बगदाद शरीफ। जी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी ये लीजिए, सीधे हाथ से लीजिए, सीधे हाथ से दीजिए। जी जज़ाकअल्लाह खैरा। जी दूसरा सवाल बताइए, खाना क्या बिछा कर खाना चाहिए? खाना क्या बिछा कर खाना चाहिए? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बताइए खाना क्या बिछा कर खाना चाहिए? जी उनको माइक दे, नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हुनैन। जी जी जवाब आप बता दें। दस्ता खान बिछा के खाना चाहिए। जी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये लीजिए तो। जी अगला सवाल पूछता हूँ, चार रकात की नमाज में कितनी बार सलाम फेरते हैं? चार रकात की नमाज में कितनी बार सलाम फेरते हैं? जी उनको जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम सलाम वरह। मेरा नाम सैयद मोहम्मद जुनैद तारी है। जी जुनैद भाई सवाल रिपीट करेगा? चार सवाल दोहरा लेता हूँ, चार रकात की नमाज में कितनी बार सलाम फेरते हैं? दो बार। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभानअल्लाह। जी मैंने सवाल किया था चार रकात की नमाज में कितनी बार सलाम फेरते हैं, इसका जवाब है दो बार। जी आपका जवाब दुरुस्त है, ये लीजिए। अगला सवाल, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल कौन से शहर में हुआ? सोच समझ के जवाब दीजिएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल कौन से शहर में हुआ? पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल कौन से? जी इनको माइक दीजिए।
किसी को नहीं पता? आप बताइए। मदीना मुनव्वरा में। आपने जवाब दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला का इंतकाल कौन सा शहर में? देख ले, सोच ले, मदीना में ही हुआ है या कहीं और हुआ है? मदीना में। जी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये लीजिए। जी तो प्यारे बच्चों, हम कॉल्स की तरफ बढ़ते हैं। कॉल्स। मेरा नाम मोहम्मद अतद है। आपके सवाल का जवाब है, नमाज जन्नत की चाबी है। आंखों का तारा नबी मोहम्मद, दिल का उजाला नबी मोहम्मद, आंखों का तारा नबी मोहम्मद, दिल का उजाला नबी मोहम्मद, आपने कॉल किया, आपने सवाल का जवाब दिया। हम अपने प्रोग्राम के आखिर में बताएंगे सवाल का जवाब। जी, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम शाह अमान है, मैं छप्पन जमाने से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगता है। प्यारे गुफरान रजा भाई, मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब है कि नमाज को जन्नत की चाबी कहा जाता है। आपके सवाल का जवाब है, नमाज जन्नत की चाबी है। जी, आपने सवाल का जवाब दिया। अब हम प्रोग्राम के एंड में बताएंगे। जी, अगली कॉल। मेरा नाम मोहम्मद उमर अत्तारी है। आज के सवाल का जवाब है, नमाज। जी, हम अब कुछ ही देर में बताने वाले जवाब। जी, अगली कॉल। मेरा नाम मोहम्मद हामिद रजा अत्तारी है। मैं मरकजुल औलिया लाहौर से बात कर रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब, जन्नत की चाबी यानी की नमाज को कहा जाता है। जज़ाकल्लाहु खैरा। हम जाने से पहले आपको आपके सवाल का जवाब बता दें। आपने हमने सवाल किया था कि बताइए जन्नत की चाबी किसको कहते हैं। जन्नत की चाबी नमाज को कहा जाता है। जी, जिन जिन ने ये जवाब दिया उनका जवाब दुरुस्त है। जी, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। हम अल्लाह पाक से दुआ है, जो हमने सीखा पढ़ा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन भी जाए नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तेरे जिक्र से ही दिन अपना हो तमाम की शान, बच्चों की शान।